सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग बैटरी बैकअप, किस तरीके से हम बैटरी बैकअप को इम्प्रूव कर सकते हैं, यही देखेंगे इस वीडियो में। तो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, अच्छे लगे तो लाइक कर दो। चैनल पर कुछ और वीडियोस हैं ना, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, जो नया अपडेट आया था ना C55 डिवाइस में, इस डिवाइस में नया अपडेट आने के बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि बैटरी बैकअप में इंप्रूवमेंट हुआ है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि बैटरी बैकअप में हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बैटरी ड्रेन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही है। तो चलो मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता दूँ, कुछ ऑप्शंस बताता हूँ जिनको यूज़ करके आपके डिवाइस का बैटरी बैकअप को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। अब कौन कौन से ऑप्शंस है ध्यान से देखो। सबसे पहले चले जाओ डिवाइस के सेटिंग में। एंड सेटिंग में जाने के बाद देखो, जो सर्विसेज होती है जो बैकग्राउंड में रन करती रहती है, जिसकी वजह से आपके डिवाइस का बैटरी कंज्यूम होती है, साथ साथ आपके डिवाइस का डेटा कंज्यूम होता है, रैम कंज्यूम होता है, इन सर्विसेज को आपको बंद करना होता है। कुछ सर्विसेज से बाय डिफ़ॉल्ट आपके डिवाइस में चली जाती है जो आपने अभी तक ऑफ नहीं की होगी, अगर नहीं की है तो अब आपको करना है। देखो सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करो, अबाउट डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें चले जाओ। फिर से नीचे स्क्रॉल करो एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और एक ऑप्शन जो कि एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का, इस पर चले जाओ एंड ये देखो ये यहाँ पर इनेबल है। इन सभी को आपको डिसेबल कर देना है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके डिवाइस का डेटा सिंक करता रहता है एंड इसकी वजह से आपके डिवाइस में बैटरी बैकअप का इशू एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है ना इंटरनेट का भी इशू देखने को मिल सकता है। थोड़ा इंटरनेट का इशू आपको थोड़ा देखने को मिल जाएगा, बट स्टिल ये जो है ना सर्विस बैकग्राउंड में रन करती है, सो आपको बैटरी बैकअप का डेफिनेटली यहाँ पर इशू देखने को मिल सकता है। और कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पर डिवाइस में देखने को मिल जाएंगे एंड जिनको डिसेबल करना है। अब देखो एडिशनल सेटिंग्स में चले जाओ, नीचे स्क्रॉल करो। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गेट रिकमेंडेशन का ऑप्शन। अब ये क्या करता है, ये ऑप्शन इसको डिसेबल कर दो। ये जो ऑप्शन है ना, ये आपको एड्स शो करता है, जो सिस्टम एप्लीकेशन है ना उनमें आपको जो एड्स देखने को मिल जाती ये इस ऑप्शन की वजह से देखने को मिल जाते हैं। अब इसको टर्न ऑफ कर दो, जिसकी वजह से कोई भी एड्स नहीं दिखेगी बैकग्राउंड में, कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी नहीं होगी एंड आपका डेटा भी कंज्यूम नहीं होगा एंड साथ साथ यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा एंड आपका बैटरी बैकअप भी अच्छा रहेगा। तो ये ऑप्शन आपको डिसेबल करना है। अब मेन बात आती है बैटरी वाला ऑप्शन कौन कौन से चेंजेस करने हैं। देखो ये है बैटरी वाला ऑप्शन, यहाँ पर हम चले गए, यहाँ पर किस ऐप ने कितना डेटा कंज्यूम वगैरह किया है ये सब देखने को मिल रहा है। इस ऑप्शन को इनेबल करो, जो कि ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग वाला जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर दो, ये आपको डेफिनेटली इनेबल करना है। उसके बाद में आपको जाना है मोर वाले सेटिंग में। जैसे आप यहाँ पर चले जाते हो, देखो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है परफॉर्मेंस मोड का, इसमें ना आपको स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड, इस पर ही आपके डिवाइस को आपको सेट करके रखना है। देखो अगर आप हाई परफॉर्मेंस चूज़ करोगे तो आपके डिवाइस का परफॉर्मेंस आपको हाई तो देखने को मिल जाएगा, बट यार बैटरी ड्रेन काफ़ी फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके डिवाइस का कंप्लीट पावर यूज़ होने वाला है, जिसकी वजह से बैटरी डेफिनेटली कंज्यूम होगी। परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली अच्छा देखने को मिल जाएगा, बट एक ही चीज़ है कि आपकी बैटरी ड्रेन होगी। अगर आप स्मार्ट मोड पर रखते हो तो जिस टाइम आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत है उस टाइम आपको परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगा एंड जब ज़रूरत नहीं है तब आपकी डिवाइस नॉर्मली बिहेव करेगी, जिसकी वजह से ज़्यादा यहाँ पर बैटरी ड्रेन नहीं होगा। नो प्रेफरेंस वाला जो है ना इसको सिलेक्ट ही मत करो, जो है स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड वो सिंपली आपको सिलेक्ट करना है। अब देखो उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्टिमाइज बैटरी यूजेस। इसमें अगर आप चले जाते हो तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, जैसे कि जो एप्लीकेशन आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो, लाइक दिस एप्लीकेशन, इसको अगर मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो इसको मैं ऑटो ऑप्टिमाइज़ कर दूंगा, और अगर कोई एप्लीकेशन यहाँ पर जिसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसको मैं ऑटो ऑप्टिमाइज़ कर दूंगा। ये चीज़ आपको करनी कुछ इस टाइप से जिन एप्लीकेशन को आप यूज़ नहीं कर रहे हो। अब चलो नेक्स्ट ऑप्शन के पास आते हैं, ऑप्टिमाइज स्टैंड बाय। इस पर अगर आप चले जाते हैं, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहला है अल्ट्रा स्टैंड बाय मोड वाला एंड सेकंड है बैलेंस मोड वाला। ऑफ पर तो आपको नहीं रखना है, बैलेंस मोड बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, बट अल्ट्रा स्टैंड बाय मोड आपको देखने को मिल रहा है। सपोज़ अगर आपके डिवाइस का बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, जब आप उसको यूज़ भी नहीं कर रहे हो तभी उस मोड को यूज़ करो, क्योंकि अगर आप इस मोड को टर्न ऑन करते हो तो जब आपके डिवाइस आप यूज़ नहीं कर रहे हो उस टाइम कोई भी बैकग्राउंड एक्टिविटी आपके डिवाइस में नहीं होगी। तो ये काम है इस ऑप्शन का, इसको आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी बैटरी भी बचने वाली एंड साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी। सो ये चीज़ है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ऐप क्विक फ्रीज वाला। ये ऑप्शन मुझे काफ़ी पसंद है। अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हो ना, तो लाइक टेलीग्राम हुआ या फिर कोई भी एप्लीकेशन जो आपको नोटिफिकेशन सेंड वगैरह कर रहा है इंटरनेट को यूज़ करके, बैकग्राउंड में सर्विस बैकग्राउंड में रन कर रही है, इंटरनेट का यूज़ कर रही है, आपको नोटिफिकेशन सेंड कर रही, उनको आप सिंपली क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज करने के बाद जब तक आप उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करोगे ना, तब तक उस एप्लीकेशन में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। ये चीज़ है जब आप उसको ऑन स्क्रीन यूज़ नहीं करोगे, तो इसके लिए ये जो फीचर है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो रियल मी स्टोर हुआ, ये क्या करता है, बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा रन होता है, आपको काफ़ी सारे नोटिफिकेशन सेंड करता था शॉप नाउ वाले, तो इसको आप डिसेबल कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी, आपका बैकग्राउंड में डेटा भी कंज्यूम नहीं होगा एंड साथ ही साथ आपका बैटरी बैकअप भी इंप्रूव हो जाएगा।
तो यार देखो, ये सभी सेटिंग्स हैं जो आपको आपके डिवाइस में करने हैं, जिसको यूज़ करके ना आप थोड़ा बहुत आपके डिवाइस का जो बैटरी बैकअप है ना उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। अब डेफिनेटली ये चीज़ें वर्क करने वाली है, इसलिए ये सभी ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है आपके डिवाइस में। तो ट्राई करके देखो यार, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये थोड़ा बहुत यूज़फुल लगा है। अगर लगा तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते गए अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।